आदि ना अंत तुम्हारा, तुम ही से है जग में उजियारा। ये लाइन भगवान शिव के लिए कही गई है, क्योंकि भगवान शिव आदि और अनंत है। उसका ना ही कभी जन्म हुआ है और ना ही कोई उनका माता पिता है और ना ही उनकी कभी मृत्यु होगी। आज की हमारी ये वीडियो बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पर्वत के बारे में जिसे भगवान शिव का घर कहे जाने के साथ साथ दुनिया का सेंटर भी माना जाता है। क्योंकि कैलाश पर्वत न केवल हिंदू धर्म बल्कि जैन और बौद्ध धर्म के लिए भी बहुत खास महत्व रखता है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। आपको वो पिक्चर तो जरूर याद होगी जिसे इंडिया के कुछ आर्मी ऑफिसर ने पोस्ट किया था। इस पिक्चर में एक साधु को हिमालय पर चलते हुए दिखाया गया था। इस साधु ने कोई वस्त्र नहीं पहना था, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था। जबकि आर्मी ऑफिसर बताते हैं कि इस समय हिमालय पर इतनी ज्यादा बर्फ थी कि कोई साधारण इंसान बिना कपड़ों के यहाँ कुछ मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता। तो आप सोचे कि वो साधु कैसे तब कैलाश के आसपास जिंदा था। इसका केवल यही कारण है कि शिव भक्ति ने उसे इतनी ज्यादा शक्ति दी हुई थी कि बाहरी दुनिया की ठंडी गर्मी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। अगर कैलाश की बात करें तो ये इतना शांत स्थान है कि यहाँ पर तपस्या करने की सभी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है और इंसान स्पिरिचुअलिटी में विलीन हो जाता है। यही वजह है कि यहाँ तपस्या करने वाले साधुओं की उम्र बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वे सैकड़ों सालों तक जिंदा रहते हैं। साथ ही वे भौतिक मोहमाया से दूर हो जाते हैं, उन्हें सर्दी गर्मी का कोई आभास नहीं होता, वो केवल शिव में लीन हो जाते हैं। कैलाश पर्वत की ऊंचाई की बात करें तो ये दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत एवरेस्ट से 2000 मीटर छोटा है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर आज तक कोई भी इंसान चढ़ नहीं पाया, क्योंकि कैलाश वो स्थान है जहाँ पर दिशा बताने वाला यंत्र भी काम करना बंद कर देता है और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण पर्वतारोही को आगे चलना दूभर हो जाता है। साथ ही यहाँ जाने वाले लोगों ने बताया कि यहाँ पर टाइम चक्र भी कुछ ज्यादा ही तेज चलने लगता है, क्योंकि जो बाल और नाखून लगभग 2 हफ्तों में बढ़ते हैं वो कैलाश पर केवल 12 घंटों में बढ़ जाते हैं। यही वजह है कि सरकार ने भी कैलाश पर जाने पर रोक लगाई हुई है, क्योंकि पहले जितने भी लोग कैलाश पर गए वो या तो वापस नहीं लौटे, और अगर लौटे तो उन्होंने वहाँ कुछ ऐसा देख लिया जिससे वे अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। वैसे तो कैलाश हमेशा ही चर्चा में बना रहता है, क्योंकि कैलाश के आसपास से ऐसी आवाज आती है जो ध्यान से सुनने पर डमरू की तरह लगती है और उसमें से ओम की आवाज निकलती रहती है। लेकिन जब थोड़ा पास जाकर सुनते हैं तो कभी कभी लगता है ये विमान चलने की आवाज है, लेकिन वास्तव में वो भगवान शंकर के डमरू की आवाज होती है। पर ये तो जग जाहिर है कि वैज्ञानिक तो स्पिरिचुअलिटी को मानते नहीं है, इसलिए वैज्ञानिकों का कहना है कि ये आवाज बर्फ के लगातार पिघलने की वजह से निकलती है। आवाज को लेकर वैज्ञानिक अपनी राय दे सकते हैं, पर उस हकीकत से अपना मुंह नहीं मोड़ सकते जो ये बताती है कि कैलाश पर कुछ न कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से यहाँ इतने चमत्कार होते दिखाई देते हैं। वैसे तो कैलाश के बारे में लगातार चमत्कार सामने आते रहते हैं, लेकिन गूगल मैप ने पूरी दुनिया को जो दिखाया उसे देखकर तो वैज्ञानिकों के भी होश उड़ गए और उन्हें भी स्पिरिचुअलिटी पर विश्वास करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, गूगल मैप तब कैलाश के रहस्य को सबके सामने लेकर आया जब गूगल मैप पर कैलाश के ऊपर त्रिशूल और भगवान शिव की आकृति को देखा गया। और गूगल मैप की इस बात से तो वैज्ञानिक भी इनकार नहीं कर सकते, लेकिन दुनिया में स्पिरिचुअलिटी और वैज्ञानिकों का टकराव तो लगातार होता रहता है। यही वजह है कि जिन घटनाओं को यहाँ के साधु संत अलौकिक और दिव्य घटना मानते हैं, उन्हीं घटनाओं के लिए वैज्ञानिक कोई न कोई थ्योरी देकर अपनी बात को साबित करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ होने वाली घटनाओं का कारण यहाँ पर उपस्थित एक्सिस मुंडी सेंटर है। अगर एक्सिस मुंडी सेंटर की बात करें तो यह भौगोलिक और चुंबकीय ध्रुवों का सेंटर है जहाँ दिशाएं आकर मिल जाती हैं। इतना ही नहीं, कैलाश पर बहुत बार सतरंगी लाइटें दिखाई देती हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि ये चुंबकीय तरंगों के आपसी मिलन के कारण होता है, जबकि सच तो वैज्ञानिकों की पहुंच से बहुत दूर है। लेकिन अगर हम कैलाश पर्वत के आकार की बात करें तो ये दूर से देखने पर एक पिरामिड की तरह दिखता है, लेकिन इसकी आकृति एक चक्र से भी मिलती है जिसे नदियों ने कुछ इस तरीके से विभाजित किया हुआ है जैसे हमारे शरीर में कुंडलिनी बनी होती है। कैलाश का ज्यादा महत्व इस वजह से भी है कि यहाँ पर दो बड़े और विशाल सरोवर बने हैं, जिसमें से एक मानसरोवर और दूसरा राक्षसताल है। उसमें से कई जीवनदायिनी नदियाँ निकलती हैं, जिसकी वजह से भारत जैसा देश सदा हरा भरा बना रहता है। लेकिन ये सरोवर भी कुछ कम आश्चर्य से भरे नहीं है। मानसरोवर मीठे पानी का है जबकि राक्षसताल खारे पानी का है। ये बात भी वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित करती है कि एक ही जगह पर मीठे और खारे पानी के दो स्रोत कैसे हो सकते हैं। लेकिन जहाँ भगवान शिव होते हैं वहाँ पर तो आश्चर्य होना स्वाभाविक ही है। वैसे तो पूरा का पूरा कैलाशी रहस्यों से भरा हुआ है, लेकिन कैलाश का एक रहस्य तो ऐसा है जिस पर लोगों ने बहुत खोज करने की कोशिश भी की और जिसकी वजह से बहुतों ने अपनी जान भी गंवाई है। जी हाँ, आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं हिममानव यानी येति की। आपने बहुत सारी हॉरर फिल्मों में येति का जिक्र जरूर सुना होगा, लेकिन येति वास्तव में कैलाश पर देखे जाते हैं। इस वजह से भी कैलाश पर लोग जाने से डरते हैं, क्योंकि येति नरभक्षी होते हैं।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपके सामने कैलाश पर्वत के रहस्यों को रखा। वैसे आपकी कैलाश पर्वत को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।